Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed the properties of parallelogram and some question based on those properties. तो उससे पहले वाले lectures में हमने discuss किया था कि parallelogram की क्या properties हैं, उस पर based कुछ questions हमने solve किए थे. Similarly, इस lecture में हम continue करेंगे next वेरियस जो हमारा special kind of quadrilateral था, that is rectangle. Class 8. Chapter 5. क्वाड्रिलेटर. तो देखिए नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटर है आपके पास रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के बारे में जब हमने पढ़ा था, जब हमने इसकी डेफिनेशंस हमने देखा था, तो हमने बोला था रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, या हमने ऐसा बोला था कि ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री. तो एक ही बात है, आप चाहे वन एंगल बोलो या ऑल एंगल्स बोलो, अगर हम वन एंगल लेते हैं तो बाकी को हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ में हम इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए सारे एंगल्स, ऑल द थ्री रेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स विल बी राइट एंगल्स. तो रेक्टेंगल बेसिकली एक पैरेललोग्राम था हमारे पास. जब आपने इसको पैरेललोग्राम डिफाइन किया है, जब आपने बोला है रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये प्रूफ हो गया ऑलरेडी कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होगी. अब सॉरी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में फॉलो होगी. फॉर एग्जांपल्स, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होंगे वो उसको बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. अगर आप इसमें भी अगर डायगनल आप ड्रॉ करते हो तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे, जैसा पैरेललोग्राम में हो रहा था. तो मतलब पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी फॉलो होगी. तो उनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डायग्राम अगर डायगनल ड्रॉ करते हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, या ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, या फिर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे. वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है. जैसे ही आपने इसको पैरेललोग्राम बोला तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने आप इसमें ऑलरेडी प्रूव्ड है. तो रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम इन विच one of its angle is right angle. अब हम वन एंगल भी बोल सकते हैं और ऑल इट्स एंगल्स भी बोल सकते हैं, बात एक ही है. अगर हम वन बोल रहे हैं तो बाकी बचे हुए एंगल्स को हम प्रूफ कर देंगे. तो पैरेललोग्राम हमने बोला तो उसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें आएगी ही सही, इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसमें होंगी. अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस कि एक तो आपको इसके जो एंगल्स मिलते हैं वो सारे राइट एंगल्स होंगे. पैरेललोग्राम के एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के एंगल्स फिक्स हैं कि वो चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे. तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी नंबर वन को, थ्योरम नंबर वन को प्रूफ करते हैं. थ्योरम वन, ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल. आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल के जो ऑल द फोर एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं. डेफिनेशन में हमने बोला एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री. तो बचे हुए एंगल्स को हम प्रूफ करते हैं. देखिए रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल एबीसीडी. अब देखिए पैरेललोग्राम है तो अगेन ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी, ये साइड और ये साइड पैरल भी होगी, इक्वल भी होगी, सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की इसमें आएगी. हमने यहाँ अज्यूम किया कि एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री है. एक एंगल 90 डिग्री आपने अज्यूम किया. बचे हुए सारे एंगल्स ए बी सी डी, जो बी सी डी एंगल्स हैं, इनको भी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है. तो देखिए गिवन में हम लिख लेते हैं. सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल with angle A is equals to 90 degree. ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है आपके पास गिवन है, जिसका जो एक एंगल है एंगल A वो है 90 डिग्री. आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो बचे हुए एंगल्स हैं B, C एंड D वो भी क्या हो जाएं, 90 डिग्री हो जाएं आपके पास. तो प्रूफ हम करते हैं. देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे.
अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, जैसा कि अभी हमने बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और लाइंस अगर पैरेलल है आपके पास तो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। देखिए ये 90 डिग्री है एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम आपके पास होना चाहिए 180 डिग्री। उसमें से ए अगर 90 डिग्री है तो बी का एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी अगर आपके पास 90 डिग्री, ये बी 90 डिग्री आ गया तो एडजेसेंट एंगल्स अगेन वापस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ए 90 डिग्री है तो सी वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये जो बी वाला एंगल है, बी और डी, ये भी इक्वल इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे आपके पास। तो ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपको गिवन था सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री, आपने बचे हुए चारों एंगल्स को क्या प्रूव कर दिया 90 डिग्री। प्रूफ, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल अगर हम इसको बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल पैरेलल होंगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है 90 डिग्री, 90 प्लस 180 इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू हो गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल बी का वैल्यू हो गया आपके पास 90 डिग्री। अब एंगल बी आपके पास 90 डिग्री आ चुका है, पैरेललोग्राम आपने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया ही था, तो इसका मतलब बी और डी इक्वल इक्वल होंगे, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन आ जाएगा आपके पास ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो वैल्यू बी की आएगी वही वैल्यू डी की भी आनी चाहिए, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल इक्वल होते हैं तो जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू सी की भी हो जाएगी, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बन गया है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स कितने हो जाते हैं 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये थी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर वन, एक रेक्टेंगल एक इज अ पैरेललोग्राम, इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये डिफरेंस था फर्स्ट डिफरेंस जो पैरेललोग्राम को और रेक्टेंगल को डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आएगी, बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। पैरेललोग्राम में एंगल कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल में एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर टू, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए पैरेललोग्राम में हमने बोला था कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमने कभी भी ये नहीं बोला था कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये जनरली एक मिसकंसेप्ट भी रहता है कि पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स इक्वल होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। थ्योरम नंबर टू है आपके पास डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, किसी भी रेक्टेंगल में जो हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ए सी एंड बी डी, दो डायगोनल्स जब आप ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल इक्वल होगी। तो अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्या क्या ये इक्वल होते हैं या ये इक्वल कैसे होते हैं, देखते हैं इनको हम। देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आपको गिवन है,
अब रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल में भी इक्वल इक्वल होगी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी हमारा 90 होगा। सिमिलरली एंगल डी भी 90, एंगल सी भी 90। डायगनल्स हम ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट डायगनल हो गया आपका बी डी और सेकेंड डायगनल हमने ड्रॉ किया डायगनल ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए सी एंड बी डी जो डायगनल्स की लेंथ है वो इक्वल लेंथ की होगी, ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे, सेम लेंथ के डायगनल्स बनेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, देखिए हम इसको गिवन गिवन में आपको सबसे पहले बोला है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड ए सी एंड बी डी आर टू डायगनल्स। टू प्रूफ, अब देखिए इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो डायगनल्स का लेंथ है ए सी और बी डी, दो दोनों डायगनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। प्रूफ, ज्योमेट्री में जब भी हमें दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमेशा जो यूज़ होगा वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज हैं। कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है और उस पर बाय सी पी सी टी आप बोलोगे कि दोनों लेंथ इक्वल होगी, दोनों साइड्स इक्वल इक्वल होगी। तो देखिए आपको ए सी और बी डी दो डायगनल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करें? आप उन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट कीजिए जिसमें ए सी और बी डी आपको साइड्स मिल जाए। जैसे अगर हम बात करें ए सी वाला डायगनल, तो आपको इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी में ए सी साइड मिल रहा है, क्योंकि ट्रायंगल में वो साइड प्रेजेंट होगी तभी तो हम उनको इक्वल प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी से आपको साइड मिल जाएगी ए सी। नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो उससे आपको बी डी साइड मिलेगी। ये ए सी साइड मिल रही है आपको ए बी सी से और बी डी साइड आपको मिल रही है ए बी डी से। तो हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रूट प्रूफ कर सकें। तो प्रूफ में हम लिखना स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो नेक्स्ट आ जाएगा बी ए डी। देखिए ए बी सी, तो बी ए डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको जो भी टर्म्स आपकी कॉमन है, चाहे वो साइड्स हैं चाहे वो एंगल्स हैं, तो हम उसको लिस्ट लिखते हैं यहाँ पे। देखिए ए बी एंड ए बी सी एंड बी ए डी में सबसे पहली बात तो ए डी एंड बी सी इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल इक्वल होंगी। इसका मतलब ए डी और बी सी को हम इक्वल इक्वल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट बी सी इज इक्वल टू ए डी हमने लिखा, रीज़न आ गया आपके पास ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया कि दो साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट हमने देखा कि एंगल डी ए बी आपके पास 90 डिग्री है और एंगल सी बी ए भी आपके पास 90 डिग्री है। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है ऑलरेडी, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री ऑलरेडी आपको गिवन है। तो एक साइड एक एंगल। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये जो ए बी साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। जो लेंथ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो उनकी वैल्यूज भी सेम होगी दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, लेंथ आ गई आपके पास कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड, ये देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये साइड आ गई दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो गए आपके पास? कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। और ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। बाय
सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ये जो एसी साइड है वो इक्वल हो जाएगी आपके पास बी बीडी साइड के, बाय सीपीसीटी एसी इज इक्वल टू बीडी। तो इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे उनका लेंथ क्या होगा, सेम होगा, दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर ये दोनों डायगोनल्स किसी पॉइंट ओ पे मीट करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA का लेंथ OC के इक्वल होगा और OB का लेंथ OD के इक्वल होगा, रेक्टेंगल में भी सेम होगा क्योंकि रेक्टेंगल इज काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे बात ये है कि AC और BD दोनों इक्वल इक्वल हैं, अगर ये लेंथ आपके पास 10 है तो BD का लेंथ भी आपके पास 10 आएगा, और दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे, इसका मतलब OA का लेंथ, OC का लेंथ, OB का लेंथ और OD का लेंथ, दो सारे लेंथ्स क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगे। इसको हम एज अ नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल लेंथ के हैं तो इनके जो जब ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास रेक्टेंगल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास कि सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि जो डायगोनल्स होंगे रेक्टेंगल के वो दोनों का लेंथ सेम होगा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी द एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड the length of the diagonals of rectangle. आपको बोला देखो एक रेक्टेंगल है जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, आपको उसके डायगोनल्स का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यह हो गया आपका रेक्टेंगल एबीसीडी। रेक्टेंगल है इसका मतलब जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, एबी का लेंथ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, यह एंगल हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो ये लेंथ भी हो जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर, और एडी का लेंथ हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। डायगनल्स का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए डायगनल आपके पास हो गया एसी, अब एसी का लेंथ जो होगा वही लेंथ बीडी का होगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो किसी भी एक डायगनल का लेंथ हम कैलकुलेट कर लें। अब देखिए डायगनल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी में, तो ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बी पे एंगल बन रहा है दैट इज राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हम हाइपोटेनस एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? तो देखिए गिवन ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए जहां भी आपके पास राइट ट्राइंगल है तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी का स्क्वायर, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो हाइपोटेनस होगा उस ट्राइंगल का, तो एसी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। AC स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है, देखिए आपके पास 12 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है आपके पास 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, ये वैल्यू है आपके पास ए सी स्क्वायर की, 144 प्लस 25 इज 169, और 169 अगर आपको 1 टू 20 तक के स्क्वायर्स लर्न है तो आपको पता होगा कि ये 13 का स्क्वायर है, अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, किसी की भी हेल्प से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो वैल्यू ऑफ ए सी इज 13 सेंटीमीटर। और हमें पता है सिंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, सिंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल आपको ए बी सी डी गिवन था उसमें जो डायगोनल्स की लेंथ आई वो कितनी आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक रेक्टेंगल गिवन है आपको ए बी सी डी जिसके जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट ओ पे। नेक्स्ट आपको गिवन है इफ OA is equals to 5x minus 7 and OD is equals to 4x minus 5. OA का वैल्यू आपको गिवन है 5x minus 7, OD का वैल्यू आपको गिवन है 4x minus 5. Find the value of x. आपको यहाँ पे x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। अब रेक्टेंगल में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपको ना तो साइड्स गिवन है ना डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, आपको कुछ नहीं गिवन है। आपको सिर्फ इतना सा बोला है कि ये जो रेक्टेंगल था ए बी सी डी आपका, उसके जो डायगोनल्स थे वो किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये जो ओ ए का लेंथ है ये आपको गिवन है 5x माइनस 7, ये लेंथ आपको दे दिया 5x माइनस 7। सिमिलरली जो ओ डी का लेंथ है आपको गिवन है 4x माइनस 5, और वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। तो जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी ये हमें पता है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होंगे वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट करेंगे तो OA और OC इक्वल इक्वल होगा, और OD और OB एंड OD भी इक्वल होंगे। सिंस AC एंड BD आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल थे तो उनकी जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल इक्वल ही होंगे। देखिए गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड ओ इज इक्वल टू 5x माइनस 7, और ओ डी का लेंथ आपको गिवन है 4x माइनस 5, एक्स का वैल्यू हमें बताना है। सिंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल इक्वल होते हैं, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ पे हम रिलेशन लिख देते हैं। देखो डायगनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, दो क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल इक्वल होंगे। अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ ए सी इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। ए सी पूरा एक डायगनल था उसका हाफ, क्योंकि हमें पता है कि जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, तो क्या इस ए सी को के हाफ को हम ओ ए लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए। सिमिलरली इस बी डी के हाफ को क्या हम ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो जो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ये बी डी पूरा डायगनल था उसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास ओ डी।
तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब वैल्यू ऑफ एक्स हमें बताना था, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ओ ए का वैल्यू आया आपके पास 5x-7, ओ डी का वैल्यू आया आपके पास 4x-5। अब यहाँ से ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म हो चुका है, एक्स का वैल्यू हमें सॉल्व करना है। तो देखिए वेरिएबल्स को हम लेकर आते हैं एक साइड, ये 4x जब ट्रांसपोज होगा तो -4x, और -7 ट्रांसपोज होके हो जाएगा 7-5, तो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई अपने पास 2। और वैल्यू ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एक्स आपको कितना मिल गया, 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है, देखिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी एम एंड डी एन आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B and D to the diagonal AC. ABCD आपको एक rectangle given था, इसके जो vertex हैं B and D, उससे आपने AC जो आपका diagonal है उस पर perpendiculars draw किए हैं BM and DN. Prove that. Prove that. बी एम इज इक्वल्स टू डी एन। आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायगनल्स आपने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों डायगनल्स का लेंथ, सॉरी ये जो दो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए हैं डायगनल पे, इन दोनों का लेंथ सेम होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, हम क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है ये। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, इस ए बी सी डी रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल इक्वल होगी, ऑपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, जो आपको पता है आप हमेशा उसको पहले मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बोला है कि ए सी जो डायगनल है आपका, ये ए से सी को हमने ज्वाइन किया, ये डायगनल ए सी हो गया आपके पास, इस पे आपने वर्टेक्स बी से एंड वर्टेक्स डी से कुछ परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किया है। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास बी एम, और ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास डी एन। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो बी एम और डी एन आपने ड्रॉ किए हैं डायगनल ए सी पे, इन दोनों का लेंथ इक्वल इक्वल होगा, ये जो परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इनका लेंथ सेम होगा। तो अगेन देखिए दो साइड्स आपको इक्वल प्रूफ करनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सबसे पहले तो हम वो ट्राइंगल्स फाइंड आउट करें जिसमें हमें ये लेंथ मिल रही है बी एम एंड डी एन। तो आप ट्राइंगल ले सकते हो ट्राइंगल ए डी एन, या फिर आप ट्राइंगल ले सकते हो सी एन डी, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल ए एन डी लेते हैं तो यहाँ से हम ट्राइंगल लेंगे सी एम बी, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, तो यहाँ से भी हम छोटे वाले ट्राइंगल को सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप डी एन सी को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से हो जाएगा बी एम ए, तो या तो हम दोनों ये वाले ट्राइंगल्स ले लें या दोनों ये वाले ट्राइंगल्स ले लें, दोनों से आप प्रूफ कर सकते हो। अब प्रूफ कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहला पार्ट तो हमें दिख ही रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये जो ए डी का लेंथ है ये बी सी के लेंथ के इक्वल इक्वल होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें मिल गई। सेकेंड देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों बना आपके पास, क्योंकि परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया, एक साइड और एक एंगल इक्वल हो चुका है। अब बचा एक और पार्ट इक्वल करना है आपको, तो हम देखें कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी आपके पास, क्योंकि रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो साइड्स पैरेलल होगी, और साइड्स अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए क्या ये जेड की शेप में आ रहे हैं, क्या ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे। और जैसे ही ये इक्वल इक्वल होंगे तो देखिए 90 ये वाला एंगल और साइड, 90 एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स बाय ए ए एस
एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बाई सीपीसीटी बोल सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू टी एन, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. तो इसी को अब हमें लिखना है. गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड डी टू ए सी. ए सी डायगनल पे आपने बी और डी से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं. टू प्रूव, प्रूव आपको करना है बी एम इज इक्वल्स टू डी एन. प्रूफ लिखते हैं हम. प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को लिखा. इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के नेम लिखते हैं. देखिए हम ए एंड डी एंड ट्राइंगल सी एम बी. तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो हमें दिख रहा है एंगल ए एंड डी. एंगल ए एंड डी इज इक्वल्स टू एंगल सी एम बी 90 डिग्री. ये आपको गिवन है ऑलरेडी. 90 डिग्री हमने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था. नेक्स्ट हमने देखा कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए एन लिख दे, सॉरी इसको अपन डी ए एन इक्वल हो जाएगा आपके पास बी सी एम के. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए. नेक्स्ट आपको गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल गिवन. तो हम लिख सकते हैं बाय, देखिए एंगल एंगल साइड बाय ए ए एस, दो कंटिन्यू एंगल है और कंटिन्यू वाली साइड है आपके पास एंगल एंगल साइड. तो दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. बाय एस एस ए ए एस ट्राइंगल ए एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम बी. और ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी हम बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ जाएंगे आपके पास एन डी या डी एन इज इक्वल्स टू बी एन. और ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना था. हेंस तो आपसे बोला गया था कि आप दोनों को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, दोनों इक्वल आ गए. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल एंड प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे जो और आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, रॉम्बस उसकी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टीज, और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. थैंक यू.